और खबर यह है कि नैब ने शर्जील मेमन के करीबी लोगों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है। शर्जील मेमन की वालदा को प्लॉट फरोख करने वालों को भी कॉल अप नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बिजनेसमैन अकराम इलाही और एहसान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, इसी पर बात करेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, घेरा मजीद तंग होता जा रहा है, कॉल अप नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जी, बिजनेसमैन इकराम इलाही और एहसान ने सिंध हाई कोर्ट से एक आइनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौकफ अख्तियार किया है कि उन्होंने 2014 में डिफेंस का एक प्लॉट शर्जील मेमन की वालदा से खरीदा था, ताहम अब उन्हें नैब की जानिब से एक कॉल अप नोटिस भेजा गया है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि जो बिजनेसमैन है, इन्हें गवाह के तौर पर नोटिस जारी किए गए हैं। ताहम जो बिजनेसमैन हैं, उनका ये मौकफ है कि उन्हें खदशा है कि जो तहकीकात हैं, इनका इनसे ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, जिस पर अदालत ने 24 जुलाई को नैब से तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर दिया है। ठीक है बिलाल, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।